बिसमीम् वालेकुम मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफुबान में रखे और सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे इसी दुआ के साथ हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं तो आज हम कच्चे पक्के आमों का जैम बनाएंगे तो ये जो है मैंने केरियाँ ले ली थी और ये मैंने चार पाँच दिन के लिए ऐसी ढक्का रख दी थी तो ये ऐसी पीली हो गई हैं और इसको हम आम का भी बना सकते हैं डायरेक्ट आम का लेकर लेकिन ये मैंने कैरियाँ ली थी तो ये जब मैंने काटी है तो ये अच्छे खासे इसमें बिल्कुल आम की तरह बन गए और मीठे भी ये आम के ही तरह से हैं तो हम खट्टे मीठे आम का भी बना सकते हैं और डायरेक्ट आम का भी जैम बना सकते हैं तो मैंने ये ग्राइंड कर लिया था और ग्राइंड करने के बाद ये मैंने चूल्हे पे रख दिया है और इसमें हम अब शक्कर डालेंगे शक्कर का आप देखें ना आप ये एक बड़ा कप है तकरीबन एक पाव का ये कप है और ये मैंने इसमें थोड़ी शक्कर डाली है अभी पूरा कप नहीं डाला है और इसको मैं मिक्स करूँगी एकदम सारा नहीं डालते कि नीचे चिपकने का भी डर होता है तो हम थोड़ा सा डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह ये नीचे ये चिपके नहीं बाकी की शक्कर भी मैंने डाल दी है ये एक कप पूरा हो गया है और हमने तकरीबन हमारे आधा किलो आम में हमने डेढ़ पाव शक्कर डाली है जब ये सारी शक्कर डाल लेंगे तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे शक्कर सारी इसके अंदर मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे और ये 10-15 मिनट हो गए थे पकते हुए आप देख सकते हैं ये बहुत गाढ़ा सा हो गया है लेकिन मुझे अभी इसको और पकाना है और गाढ़ा करना है लेकिन ये स्टील का बर्तन है मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कहीं नीचे लग ना जाए तो मैं इसको अब दूसरे पैन में नॉन स्टिक में शिफ्ट कर दूँगी और आप देख सकते हैं ये और, आज, और भी पक गया है और इसकी यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और इस टाइम पे मैं इसमें इलायची पाउडर डाली हूँ दो तीन इलायची लेके आप डाल लें क्रश करके और चार पांच कतरे इसमें मैंगो एसेंस के ज़रूर डालें इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें एक बिल्कुल बाजार जैसा आपको टेस्ट लगता है जब आप खाते हैं तो और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अब रेडी है अब मैंने डिश आउट कर रही हूँ आप देखें बिल्कुल इसी तरह से गाढ़ा होना चाहिए इस तरह से अगर आप गाढ़ा बनाएंगे पकाकर बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो इसका ये ख़राब नहीं होगा ये बहुत टाइम तक आपका बाहर भी चलेगा और आराम से आप देर तक ज़्यादा टाइम तक इसको यूज़ कर सकते हैं आप इसी तरह से ब्रेड पे लगा कर खाएँ या पराठे से खाएँ सुबह नाश्ते में ये आपको बहुत अच्छा एक आपका नाश्ता भी हो सकता है और बच्चों की टाइम भूख में आप इसी तरह से ब्रेड पर लगा के बच्चों को दें और इसके लिए एक एडवाइस और दूंगे मैं आपको कि ब्रेड पर जब आप ये लगाएं जैम तो एक थे अगर इसमें एक बलई की भी दे दें तो इससे जो हमारी ये ब्रेड तैयार होती है ये टोस्ट तैयार होते हैं इससे बहुत अच्छा हमें एक टेस्ट मिलता है एक हमारा नाश्ता अच्छा हो सकता है बच्चों के लिए एक हेल्दी नाश्ता हो सकता है उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी दुआ में याद रखें अल्लाह हाफिज़